बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्रिया की परिभाषा, उसके भेद और उनके प्रयोग का जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आइए कुछ उदाहरण के साथ चलते हैं। शुभम फल खाता है। खाता है क्रिया है, क्योंकि इसमें खाने के कार्य का पता चलता है। अलमारी में किताबें हैं, हैं क्रिया है, क्योंकि इससे किताबों के अलमारी में होने का पता चलता है। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। हरी पत्र लिखता है, लिखता है ये क्रिया है, क्योंकि इससे लिखने के कार्य का पता चलता है। धूप तेज है क्रिया है, क्योंकि इससे धूप के तेज होने का पता चलता है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि ऊपर उदाहरण में हमने देखा, खाता है, लिखता है, पढ़ना, खाना, लिखना, चलना, ये सब क्या है? क्रिया है, कार्य है कोई। तो बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है और लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। जैसे लिंग के अनुसार देख लीजिए, यहाँ पे ये बालक है, बालक, और ये बालिका है। तो बालक किताब पढ़ता है, बालक क्या कर रहा है? किताब पढ़ता है, तो पढ़ता क्रिया है यहाँ पर। बालक आपका पुल्लिंग है। जब यहाँ बालिका आ गई, स्त्रीलिंग हो गया, तो किताब क्रिया क्या हो गई? पढ़ती है। तो लिंग के हिसाब से क्रिया परिवर्तन का उदाहरण आपने देखा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। धोबी कपड़े धोता है। धोबी आपका पुल्लिंग है, तो क्रिया क्या हुई? धोता है। धोबिन स्त्रीलिंग हुई, तो क्रिया बदल गई। देखिए, जैसे लिंग परिवर्तन हुआ, क्रिया भी बदल गई, धोती है। तो वचन और लिंग के हिसाब से क्रिया परिवर्तन होता है। अभी आपने लिंग के हिसाब से देखा, अब आप वचन के हिसाब से देखिए। टोपी सुंदर है, एक वचन टोपी, यहां बहुत सारी टोपियां हैं, टोपियां सुंदर हैं। देखिए क्रिया बदली, यहां पे है था, यहां पे क्या हुआ? हैं। जैसे टोपी से टोपियां हुई, वचन बदला, क्रिया बदल गई। एक और उदाहरण ले लीजिए। लड़का गेंद खेलता है। गेंद, एक गेंद खेल रहा है लड़का, लड़का गेंद, लड़का को जैसे हमने वचन बदला लड़के, वैसे ही क्रिया बदल गई, खेलता है क्या हो गया? खेलते हैं। तो वचन और लिंग के अनुसार क्रिया परिवर्तन का उदाहरण आपने देखा। जैसे ही वचन बदलता है, क्रिया भी बदल जाती है, और जैसे ही लिंग बदलता है, क्रिया अपने आप बदल जाती है। ठीक है, अब क्रिया के भेद देखिए। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि राम फल खाता है, तो खाता है क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है, इसलिए फल क्या हुआ? हमारा कर्म हुआ। दूसरा वाक्य देखिए, हरी पत्र लिखता है, तो लिखता है इस क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, पत्र पर, इसलिए पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, देखिए यहां खाता है का प्रभाव फल पे पड़ रहा था, यहां लिखता है का प्रभाव पत्र पे पड़ रहा है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, कर्म के साथ।
तो यहाँ कर्म के साथ क्रिया चल रही है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुई। अब देखिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण देख लीजिए। राजू नहाता है, तो नहाता है इसके आगे कोई कर्म नहीं है। लड़की हंसती है, कोई कर्म नहीं है, सीधे राजू नहाता है, क्रिया आ गई। संज्ञा के बाद देखिए तुरंत क्रिया आ गई, तो क्या हुआ? जो क्रिया है इसका जो फल है वो कर्ता पे पड़ रहा है, सीधे राजू पे पड़ रहा है। हंसती है क्रिया, इसका जो फल है वो सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, लड़की पर पड़ रहा है। तो जब क्रिया का फल सीधा कर्ता पे पड़ता है तो अकर्मक हो गई, अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्या था? जब क्रिया का फल सीधे कर्म पे पड़ता है, और यहां पर जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म नहीं होता, ये कर्म के बिना होता है। आप क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? जब क्रिया के लगने पर उत्तर हाँ में मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, और उत्तर ना में मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। जैसे कृष्ण ने माखन खाया, कृष्ण ने क्या खाया? तो माखन खाया। क्वेश्चन करिए, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तर हाँ में मिलता है, क्या लगाइए? क्रिया में क्या लगाइए? कृष्ण ने क्या खाया? क्रिया के आगे लगाइए क्या खाया, तो माखन उत्तर मिल रहा है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो गई। सीता सोती है, सोती है के आगे क्या लगाइए? सीता क्या सोती है, तो उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, सीता क्या सोती है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो गई। तो ये आपकी क्रिया की पहचान थी बच्चों। आशा है बच्चों कि क्रिया की परिभाषा, उसकी पहचान, क्रिया के भेदों की पहचान, और उससे आप अपने आप खुद वाक्य बना पाएंगे, क्रिया का सही उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों, मंगलमय हो आपका, शुभ हो।